losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. अभी हिमाचल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शिमला, मनाली, सेतन या फिर डलहौजी और धर्मशाला? पर यहाँ सब तो हम पहले ही घूम चुके हैं, तो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस बियॉन्ड अटल टनल इन अवर 4x4 थार, ना 2x2 वैगनार। जैसे ही हमने अटल टनल पार किया, हमने देखा बहुत सारी बर्फ और बहुत सारी बर्फ से लदे हुए माउंटेन्स, डीप वैलीज, टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, नदियाँ और बहुत सारी नदियों का संगम। बहुत ही अच्छा मिक्स था हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का। हमें लगा कि हम कहीं मिनी लद्दाख में तो नहीं आ गए। बहुत सारे अच्छे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हमने, जैसे कि सिसु, जिस्पा, केलोंग, टंडी संगम, दीपक ताल, कोक्सर। पर कुछ प्लेसेस हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ जाना अभी अलाउड नहीं था, बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी, जैसे कि रोहतांग पास, स्पीति और चंद्रताल। सो इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू मेक अ सीरीज ऑफ प्लेसेस वी विजिटेड बियॉन्ड अटल टनल। होप यू ऑल एंजॉय दिस सीरीज। प्लेसेस बियॉन्ड अटल टनल सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू सिसु, एंड देन वी एक्सप्लोर्ड सिसु। फर्स्ट एपिसोड को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए सभी को दिल से थैंक यू। इस ब्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम सिसु टू केलोंग एंड जिस्पा इन आवर वैगनार, और एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी सारे हिडन प्लेसेस। वो कहते हैं ना, समटाइम्स जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। ऐसा ही एहसास हुआ व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिसु टू केलोंग। ऑन द वे हमने देखे बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वैली, झरने, मॉनेस्ट्री, टेम्पल्स। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. हम हैं इस टाइम टांडी ब्रिज पर, जो कि है बागा नदी पर। नदी से याद आया, टांडी में दो बहुत इम्पॉर्टेंट नदियों का संगम होता है। ऑन द वे टू केलोंग मैं हूँ इस टाइम अभी टांडी में। टांडी में दो नदियों का संगम होता है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये है बागा नदी जो सूरजताल से शुरू होती है, और ये है चंद्रा नदी। यहाँ पे दोनों नदी मर्ज होकर चंद्रा बागा नदी बन जाती है। क्विक फैक्ट अबाउट द टांडी संगम। बागा रिवर निकलती है सूरजताल से और चंद्रा नदी निकलती है चंद्रताल से। दोनों का संगम होता है टांडी में, जहाँ पे हमने विजिट किया। फिर आगे 30 किलोमीटर जाके टिरोट में कुछ और नदियाँ मिलकर ये बन जाती है चेनाब रिवर, जो ऑल द वे JNK से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है और पाकिस्तान में इंडस नदी में मिल जाती है। बहुत सारे अच्छे वैली दिखेंगे आपको ऑन द वे। ऐसी एक वैली पे भी कैप्चर सम गुड मोमेंट्स बाय अवर ड्रोन। होप यू लाइक इट। Like I've seen it, a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
फाइनली वी रीच्ड केलोंग टाउन। और ये केलोंग की एंट्री पे आपको एक टेम्पल मिलेगा और यहाँ से आप केलोंग के मार्केट में जा सकते हैं। नीचे जाएंगे और सीधा जाएंगे तो ये सीधी रोड ले तक जाती है, तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ से आप सीधे निकल के रोड सीधा ले तक जाती है। हम यहाँ पे केलोंग में आज रुकेंगे रात को और फिर कल निकलेंगे हम लोग जिस्पा के लिए और फिर देखते हैं आगे तक कहाँ तक कवर कर पाएंगे। केलोंग में बड़े होटल्स नहीं हैं पर बहुत सारे आपको गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है इवन फैमिलीज़ के लिए भी। गेस्ट हाउस की दो ऑप्शन हैं, या तो आप केलोंग में गेस्ट हाउस मेन ले रोड पे ले सकते हो या फिर आप मेन मार्केट में ले सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप मेन ले रोड पे लें बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। हमने भी जो गेस्ट हाउस बुक किया था वो मेन ले रोड पे था। केलोंग में ऐसे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज आपको मिल जाएंगे, जैसे ये है अदिति गेस्ट हाउस। यहाँ पे हम जो रुके हैं ये वाले गेस्ट हाउस में रुके हैं, वापरा गेस्ट हाउस। एकदम बेसिक है बट यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। रूम बहुत बेसिक है बट काफ़ी क्लीन है। ये यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। बेड सिंपल है, चेयर्स टेबल। सबसे अच्छी बात है इसका व्यू, और आप देख सकते हैं सामने माउंटेन व्यू है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. Keelong hai almost 70 kilometers Manali se. पहले केलोंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर था क्योंकि जब अटल टनल नहीं था तो सब लोग लद्दाख जाते थे वाया रोहतांग पास, और रोहतांग पास में बहुत टाइम लगता था। तो रोहतांग पास जैसे ही कवर करते थे सब लोग स्टॉप ओवर लेते थे केलोंग में और नेक्स्ट दिन फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे टूवर्ड्स लद्दाख। केलोंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं, कारदांग मोनेस्ट्री और ससुर गोंपा मोनेस्ट्री। कारदांग का रास्ता टांडी से था तो हमें उल्टा जाना पड़ता अराउंड 9 kilometers, सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ससुर गोंपा मोनेस्ट्री जो केलोंग से पहाड़ पर अराउंड 6 kilometers है। बट बिफोर दैट वी डिड सम पेट पूजा और हमने विजिट किया लोकल केलोंग का मार्केट। अभी हम खाने के लिए आए हैं। केलोंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको खाने के लिए, बहुत सिंपल बेसिक रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हाउएवर ये रेस्टोरेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस रेस्टोरेंट का नाम है नलवा होटल एंड रेस्टोरेंट्स। काफ़ी अच्छा है ये, बेसिक है बट काफ़ी अच्छा है। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। होटल भी काफ़ी अच्छा है, बेसिक है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का व्यू। तो हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा, पहाड़ों पे मज़े लेते हुए पराठे का। मिनी कैसा है, टेस्टी है? अच्छा है। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का लोकल मार्केट ज़रूर देखना चाहिए। अभी हम केलोंग में हैं और यहाँ का अब हम लोकल मार्केट देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बट लेट्स सी क्या है वहाँ पे। ये है केलोंग की छोटी छोटी गलियाँ, छोटा सा मार्केट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बट लोकल ग्रॉसरी आइटम्स और बाकी आप लोकल शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये है बस छोटा सा विलेज और ये उसका मार्केट है। काफ़ी सारे बैंक्स दिख रहे हैं इसी ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक है, पीछे कैनरा बैंक भी था। ये है केलोंग का बस स्टॉप। यहाँ के बस स्टैंड से आपको सब जगह की बस मिलेगी, दिल्ली, ले, शिमला, मनाली। लोकल मार्केट देखने के बाद हम निकल गए ससुर गोंपा मोनेस्ट्री देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं ससुर गोंपा मोनेस्ट्री। ससुर गोंपा मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट 5 kilometers है केलोंग टाउन से, पहाड़ के ऊपर। आप वॉकिंग जा सकते हो या फिर कार से भी जा सकते हो बट रोड्स बहुत नैरो हैं।
केलोंग टाउन में पता चला कि यहाँ की मोनेस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और आपको मोनेस्ट्री भी दिखाएंगे, बट शायद हम अंदर से ना देख पाएँ एज हम बहुत लेट हो गए हैं और नाइट भी होने वाली है। यहाँ से पूरा केलोंग विलेज दिख रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं वापस आने में पूरा रात हो जाएगी तो कैसे आएंगे। ये तो डर लग रहा है, पता है इतनी रात को हम लोग इधर आए हैं इतने सुनसान में, एक आदमी भी नहीं दिख रहा है इसमें इस रोड पे। हाँ आदमी तो दिख नहीं रहा है और ड्राइविंग भी थोड़ा टफ है क्योंकि प्रॉपर रोड नहीं है, कच्चा रोड है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पहुंच जाएंगे। और 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, पहुंच जाएंगे। फाइनली वी हैव रीच मोनेस्ट्री। इतनी रिस्की रोड से अभी भी 1 किलोमीटर है, अब हम पहुंच गए हैं। दिस इज द एंट्री। फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छी शांत जगह लग रही है एकदम, और ये ऊपर शायद इनका घर है। अगर से हम डी में आते तो शायद और अच्छे से इसको देख पाते। बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है, बाहर पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, बट और 10 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे अपने होटल। बहुत ही सुंदर नीचे पूरा केलोंग विलेज दिख रहा है और जो मून है वो तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। मोनेस्ट्री देखने के बाद हम आ गए अपने गेस्ट हाउस में। बहुत ही अच्छा स्टे था गेस्ट हाउस का। नेक्स्ट ब्लॉग में हम जाएंगे जिस्पा और दीपक ताल, और सरप्राइजिंगली हमें मिली वहाँ पे स्नो अप्रैल के मिड में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड लाइक दिस वीडियो।